नमस्कार दोस्तों, बीकॉम डेवलपर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट को फुल्ली बैकअप कर सकते हो, वो भी डिज़ाइन के साथ। तो वर्डप्रेस पे बैकअप लेना बहुत इजी है, जस्ट प्लगइन डालो और डाल के दोबारा बैकअप कर सकते हो। तो ये जो blogger.com होते हैं, इस पे बैकअप लेना थोड़ा डिफ़िकल्टी है, इसका प्रोसेस अलग है। तो इस वीडियो में आपको इजी तरीके में बताऊंगा कैसे आप फुल्ली बैकअप ले सकते हो और उस बैकअप को दूसरी साइट पे इजीली डाल सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, पहले आप blogger.com पे आ जाइए। आपका जो भी ब्लॉग्स है उस ब्लॉग का डैशबोर्ड पे पहले आप आ जाइए। आने के बाद आपको पहले डिज़ाइन को बैकअप लेना होगा। डिज़ाइन को बैकअप लेने के लिए आप पहले जो थीम का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे थीम का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो एग्जिस्टिंग आपका थीम है वो आ गया है। इस पे आप ऊपर में कॉर्नर पे आप देख सकते हो जो बैकअप रिस्टोर, इस पे आप क्लिक करिए और जो भी आपका थीम का बैकअप है वो इस डाउनलोड थीम पे क्लिक करेंगे तो XML फाइल पे वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो देख सकते हो नीचे डाउनलोड हो गया है इसका डिज़ाइन। तो इसको करने के बाद आपको आपके वेबसाइट में जो भी कंटेंट है उसको बैकअप लेना होगा। उसको बैकअप लेने के लिए आप साइट में सेटिंग पे क्लिक करें। करने के बाद ये जो नीचे आ जाइए और यहाँ पे आदर्स, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो कलम है आपके सामने आ गया है बैकअप कंटेंट, इस पे आप क्लिक करिए। तो इस पे सेव टू योर कंप्यूटर, इस पे क्लिक करिए और एक XML फाइल पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हो नीचे आपका जो भी कंटेंट है वो बैकअप होना चालू हो गया है और डाउनलोड हो गया है। देख सकते हो वो इमेज के साथ पूरा बैकअप हो गया है। तो दूसरे साइट पे इसको डालने के लिए मैं मेरा दूसरा साइट खोल लेता हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश एक साइट है। उसके बाद आपको पहले डिज़ाइन को डालना होगा। डिज़ाइन को डालने के लिए ये जो थीम का ऑप्शन है, इस पे फिर से क्लिक करिए। देख सकते हो थीम का ऑप्शन, इस पे क्लिक करने के बाद जो भी आप पहले डाल चुके हो ये जो बैकअप रिस्टोर, इस पे फिर से क्लिक करिए और ये मेरा दूसरा साइट का थीम है, इसको मैं बैकअप ले लेता हूँ और इस पे आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करते हैं। तो इस साइट को मैं पहले दिखा देता हूँ कैसा ये दिखता है और बाद में कैसा दिखेगा। तो ऐसा दिख रहा है अभी, तो इसको मैं चेंज करूँगा। तो इस पे जो भी आपका बैकअप पहले हुआ है डाउनलोड, उसी बैकअप को चूज़ करना होगा। जो बैकअप मैं ले चुका हूँ इसी बैकअप को, उसके बाद ओपन पे क्लिक करें और अपलोड पे क्लिक करिए और जो भी आपका डिज़ाइन है आपके दूसरे साइट पे वो हो जाएगा। तो इसको रिफ्रेश करिए। तो देख सकते हो मैं दूसरा ब्लॉग पे जो भी चीज़ थे वो यहाँ पे भी आ गया है। और कंटेंट को डालने के लिए आपको सेम जगह जाना होगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाइए और ये जो आदर्श फील्ड है आपका, ये जो आदर्श फील्ड है आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और इंपोर्ट कंटेंट, इस पे आप क्लिक करिए। आपका बैकअप लेने के लिए बैकअप पे क्लिक करना होगा और इस पे आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट डालने के लिए इंपोर्ट कंटेंट पे क्लिक करना होगा, इस पे आप क्लिक करिए। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका एक कैप्चा फिल करने को बोल रहा है, तो आप कैप्चा को फिल करिए मोटरसाइकिल यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करिए, ये रोबोट वेरीफाई हो रहा है। और आपके कंप्यूटर पे जो भी फाइल पहले बैकअप ले चुके हैं जो कंटेंट का फाइल, इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर, इस पे क्लिक करिए और ये जो मेरा कंटेंट का फाइल इसको डाल दीजिए और इंपोर्ट कंप्यूटर, ये अपलोड हो रहा है सारे कंटेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो सारे कंटेंट यहाँ पे आ गया है और इसको आप रिफ्रेश करिए। देख सकते हो 1 मिनट में आपको पूरी तरह वेबसाइट बैकअप हो चुका है।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। ऐसी तरह ब्लॉग्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।